हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधा फ्रॉम तैयारी ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 88। वर्कशीट नंबर 88 क्लास 6 to 8 का वर्कशीट है और आज का थीम है हमारा एयर पॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, एयर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन करने से पहले आप यहाँ अपना नाम लिखें और यहाँ आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। ये वर्कशीट है 28 नवंबर 2020 का। तो आज हम जानेंगे एयर पॉल्यूशन किन किन कारणों से होता है। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज़ गुड फॉर आवर लंग्स एंड बैड फॉर द थिंग्स दैट इज़ बैड फॉर आवर लंग्स इन द गिवन बॉक्सेस। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा पिक्चर गुड है, जो हमारे लंग्स के लिए क्या है, गुड है, अच्छा है, और कौन सा बैड है हमारे लंग्स के लिए। यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ फैक्ट्रीज से धुआं निकल रहा है, तो ये क्या होगा हमारे लंग्स के लिए, बैड। तो यहाँ पे हमें लिखना है बैड। और ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये ग्रीनरी है, यहाँ फ्रेश एयर है, तो ये हमारे लंग्स के लिए गुड है, तो यहाँ हम लिखेंगे गुड। नेक्स्ट, यहाँ पे वेस्ट क्या कर रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर वेस्ट सीड्स हैं उसको जलाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारे लंग्स के लिए, बैड हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे बैड। और यहाँ ये प्लांट्स लगा हुआ है, ये प्लांट्स हमें क्या देगा, फ्रेश एयर देगा, तो ये हमारे लंग्स के लिए गुड होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे गुड। नेक्स्ट इमेज हमारा है व्हीकल्स का। व्हीकल्स से जो धुआं निकलता है वह भी हमारे लंग्स के लिए क्या होता है, हार्मफुल, तो यहाँ हो जाएगा बैड। तो इस तरीके से हमें चूज़ करना था कि कौन सा हमारे लंग्स के लिए अच्छा है और कौन सा बुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीड द रिपोर्ट बाय WHO एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ देखिए WHO द्वारा पेश किया हुआ ये रिपोर्ट है, इसे हमें केयरफुली पढ़ना है। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। एयर पॉल्यूशन किल्स एंड एस्टिमेटेड 7 मिलियन पीपुल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, 7 मिलियन पीपल जो हैं वो एवरी ईयर, प्रत्येक साल पूरे विश्व में क्या हो जाते हैं, किल्स हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। 1 मिलियन इट मीन्स 1 लाख, 7 मिलियन इट मीन्स 7 लाख, इट मीन्स 7 लाख पीपुल पर ईयर, एवरी ईयर क्या होते हैं, एयर पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डाटा शोज दैट 9 out of 10 पीपुल ब्रेथ एयर दैट एक्सीड गाइडलाइंस लिमिट्स कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अब देखिए WHO के अनुसार 10 में से 9 लोग ऐसे हवा में सांस ले रहे हैं जो हवा क्या है, पॉल्यूटेड है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर मेजर सोर्स ऑफ आउटडोर एयर पॉल्यूशन इंक्लूड। अब देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी जो हैं वह शामिल हैं, किस में, एयर को पॉल्यूट करने में। तो कैसे शामिल है, यहाँ देखिए वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ शामिल है। फर्स्ट, फ्यूल कंबशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। अब जैसे आप देखे होंगे कि सड़कों पे जो गाड़ियाँ चलती हैं उसमें जो फ्यूल बर्न होता है उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। तो इसमें कौन जिम्मेदार है, तो इसमें जिम्मेदार है ह्यूमन, मनुष्य जिम्मेदार है, क्योंकि वो गाड़ियों का इस्तेमाल करता है और गाड़ियों से निकलने वाली धुआं क्या करती है, हमारे पर्यावरण को पॉल्यूटेड करती है। यहाँ देखिए कार एंड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जो है वह भी एक मेजर सोर्स है एयर पॉल्यूशन में। हीट एंड पावर जनरेशन, ऑयल एंड कोल पावर प्लांट्स एंड बॉयलर्स। अब देखिए जो पावर प्लांट्स हैं जिसमें यूज़ किया जाता है ऑयल एंड कोल का, यह भी क्या करता है, हमारे एयर को पॉल्यूटेड करता है, क्योंकि इससे जो धुआं निकलता है वह हमारे एयर को पॉल्यूटेड करता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़। इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज़, माइंस एंड ऑयल रिफाइनरीज, इनसे भी हमारा एयर पॉल्यूटेड होता है। म्युनिसिपल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट सीड्स एंड वेस्ट बर्निंग। अब देखिए जो कूड़े कचरे जलाए जाते हैं या आप कह सकते हैं जो खेतों में से जो वेस्ट जलाया जाता है और वो धुआं क्या करता है, हमारे पर्यावरण को पॉल्यूटेड करता है। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल कुकिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग विद पॉल्यूटिंग फ्यूल्स। अब खाना बनता है अगर ईंधन पे तो उससे जो धुआं निकलता है वह भी हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है, तो यह भी एक मेजर सोर्स है किस चीज़ का, एयर पॉल्यूशन का। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का मेजर सोर्स क्या है, तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा फर्स्ट मोटर व्हीकल्स, क्योंकि मोटर व्हीकल्स से जो धुआं निकलता है वह भी क्या करता है, एयर को पॉल्यूटेड करता है। उसके बाद पावर प्लांट्स, पावर प्लांट्स जिसमें यूज़ किया जाता है किस चीज़ का, ऑयल और कोल का, वह भी क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करता है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वह भी तो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है, उससे जो धुआं निकलता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेस्ट बर्निंग, चाहे वो एग्रीकल्चर वेस्ट बर्निंग हो या म्यूनिसिपल वेस्ट बर्निंग हो, तो इससे जो धुआं निकलता है वह भी हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है हाउ मेनी पीपल डाई एवरी ईयर ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। तो हाउ मेनी पीपल, 7 मिलियन पीपल। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर डाई फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। तो इसका आंसर यहाँ पे आप लिखोगे 7 मिलियन पीपल, ये हो गया आपका आंसर। 7 लाख लोग प्रत्येक वर्ष एयर पॉल्यूशन की वजह से डाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO का फुल फॉर्म क्या होगा, WHO का फुल फॉर्म होगा बच्चों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये हो गया WHO का फुल फॉर्म। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर सी है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। हमें इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को फिल करना है। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है इस बॉक्स के अंदर, उस हिंट से इसे फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पॉल्यूशन नाउ अ डेज, सो आई विल नॉट यूज़ डैश ऑन द दीपावली। अब दिल्ली जो है वह कुछ दिनों से क्या कर रही है, एयर पॉल्यूशन से जूझ रही है, तो हमें इस बार दीपावली में क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, तो हमें फायर क्रैकर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पे लिखेंगे फायर क्रैकर्स। मैं यहाँ पे नंबरिंग भी लिख देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फायर क्रैकर जो है वह फर्स्ट में फिल होगा। नेक्स्ट हमारा है आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडॉप्ट डैश व्हेन दे गो टू देयर ऑफिस। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा कार पूलिंग। हम अपने पेरेंट्स से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, कार पूलिंग का। तो यहाँ पे सेकेंड में फिल हो जाएगा आपका कार पूलिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में कार पूलिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ हिज व्हीकल व्हेन रेड लाइट इज ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑन होगा। जब रेड लाइट ऑन हो तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी गाड़ियों के इंजन को बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आई विल प्लांट एट लीस्ट 2 डैश टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन। तो हमें क्या करना चाहिए अपने सिटी को नीट एंड क्लीन करने के लिए, तो 2 पौधे लगाने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फिल होगा सैपलिंग। मैं यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ आंसर, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका सैपलिंग्स। ओके, तो आज हमने एयर पॉल्यूशन थीम पे बहुत सारी बातें जानी कि एवरी ईयर 7 मिलियन पीपल क्या हो जाते हैं, एयर पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। और ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो डाटा शो किया है उसके अकॉर्डिंग है। तो हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें कूड़े कचरे को जलाना नहीं चाहिए, हमें भोजन बनाने के लिए लकड़ियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें कम से कम गाड़ियों का प्रयोग करना चाहिए, और साथ ही हमें अपने कारों में CNG का प्रयोग करना चाहिए। CNG जो होता है वह हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। तो ये था हमारा आज का वर्कशीट। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 88 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।